हाँ जी भाइयों, क्या हाल चाल हैं आप सबके। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे से होंगे और अच्छी विनिंग कर रहे होंगे। तो आज मैच है IRR वर्सेस TGS के बीच T10 का मैच है, जो कि रात के 12 बजे खेला जाएगा। ठीक है, रात के 12 बजे ये मैच स्टार्ट होगा। और यहाँ की पिच रिपोर्ट की बात करें तो पिच कुछ ऐसी है इनकी कि बैटिंग को ये सपोर्ट करती है, ओवरऑल सपोर्ट करती है बैटिंग को, बट एक टाइम के बाद, ठीक है, इनिशियल ओवर्स में और एक टाइम के बाद कुछ बॉलर्स भी इनके अच्छा खासा करते हैं, पेसर्स को ये मदद करती है। ठीक है, बट बैटिंग को ओवरऑल ज़्यादा ये सपोर्ट करती है पिच। ठीक है, इसका ध्यान रखना। तो मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि जो टॉस जीतेगी टीम वो बैटिंग ही लेगी। ठीक है, बात करते हैं यहाँ के IRR के प्लेइंग 11 की। तो IRR की प्लेइंग 11 कुछ ऐसे रहने वाली है। डी बुल्टॉन कैप्टन है और विकेट कीपर स्टेफन नेट्रम, ये दोनों आएंगे ओपनिंग करने के लिए। ठीक है, इसके बाद वन डाउन आएगा लेक्स मैकलोरे। ठीक है, देन नोएल लियो, विंसेंट लुविस, ठीक है, ये मिडिल ऑर्डर संभालेंगे। एंडरसन बुटॉन, डैनियल ड्यूपमी, केन जीन, सिलमेंट मर्सलिन, जोएल ड्यूरांड और के हेनरी। ठीक है, डॉन बुटॉन की बात करें तो ये एक आपका ग्रैंड लीग प्लेयर है। ठीक है, इसका ध्यान रखना, इसको बहुत कम लोग लेकर जा रहे हैं। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है, इससे बहुत कम लोग लेकर जा रहे हैं, इसकी सिलेक्शन काफ़ी कम है। तो ये ग्रैंड लीग का प्लेयर है और ये आएगा ओपनिंग करने, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। ठीक है भाइयों, अब बात करते हैं IRR के टीम से की प्लेयर्स की। लेक्स मैकलोर काफ़ी अच्छा प्लेयर है। ठीक है, लेक्स मैकलोर काफ़ी अच्छा प्लेयर है। डीन बॉल्टन अच्छा प्लेयर है। डैनियल ड्यूपनी पिछले मैच में अच्छा किया इसने। विंस्टन लेविस ऑलराउंडर अच्छा प्लेयर है। एंडरसन बुटॉन अच्छा प्लेयर है। क्लेमेंट मर्सलिन अच्छा प्लेयर है। ये सारे प्लेयर फॉर्म में चल रहे हैं। ठीक है, बात करते हैं TGS की। TGS की कुछ प्लेइंग 11 ऐसे रहने वाली है। सिंडल, रेजिस, जेलेनी, रॉबिन्सन, ठीक है, ये दोनों मोस्ट प्रोबेबली ओपनिंग करने आएंगे। ठीक है, इसका ध्यान रखना। वन डाउन आएगा मलगाई, जेवियर, देन आएंगे जूनियर जारवियर एंड टैच डेनवियर, ये दोनों मिडिल ऑर्डर संभालेंगे। एडमुंड मोरेंसी की बात करिए, ऑलराउंडर प्लेयर है। ठीक है, बैटिंग भी करे, अगर बैटिंग से अच्छा करता है तो फिर ठीक है आपका ये ग्रैंड लीग भी करिए। और ये बॉलिंग कराने आता है, दो बार अगर इसे टीम ने दे दिया तो ये एक दो विकेट आपका लेकर जाएगा, तो ये GL की अच्छी पिक है। एडमुंड मोरेंसी, विवियन टेटर की क्या बात करें, ये तो खैर विकेट टेकर प्लेयर है और बैटिंग सेक्शन में अगर ये ऊपर आ गया तो फिर ये बहुत मारता है। अगर इसकी टीम ने इसे ऊपर भेज दिया तो ये बहुत मारेगा। ठीक है, तो ये मस्ट पिक है स्मॉल लीग ग्रैंड लीग दोनों में। फ्रिट्स फ्रेडरिक की बात करें, ऑलराउंडर प्लेयर है, ये विकेट तो निकाल लेता है बट इसके टीम वाले इससे बॉलिंग करा नहीं रहे। अगर ये दो ओवर कराने आया तो ये भी एक से दो विकेट निकाल कर जा सकता है। ये ग्रैंड लीग का प्लेयर है, ध्यान देना। फ्रिट्स फ्रेडरिक, कार्मा लेमिल्टन अच्छा प्लेयर है, जॉन मैथ्यू अच्छा प्लेयर है, ये एक तरह का ऑलराउंडर है, ध्यान रखना। शाहिम सीजर, ये कभी कभी बैटिंग ऊपर भी करने आता है और ये विकेट टेकर बॉलर है। ठीक है, मस्ट पिक है, ध्यान रखना इसका। बात करें TGS के की प्लेयर की, तो TGS के प्लेयर जूनियर जारवियर जिसने 116 पॉइंट दिए हुए हैं, जॉन मैथ्यू जिसने 198 पॉइंट दिए हुए हैं, मलकाई जेवियर जिसने 200 पॉइंट दिए हैं, विवियन टर्टर जिसने 251 पॉइंट दिए हैं, टेस्ट डेनवियर जिसने 266 पॉइंट दिए हुए हैं और जेलानी रॉबिन्सन जिसने 272 पॉइंट दिए हुए हैं। मस्ट पिक हैं आपके स्मॉल लीग के प्लेयर के स्मॉल लीग में। ठीक है, इसका ध्यान रखना। अभी बात करते हैं कुछ सेफ कैप्टन और वाइस कैप्टन की। तो सेफ कैप्टन में विवियन टर्टर सबसे पहले आते हैं, देन एम जेवियर, टी टेवर्नियर, एस नेट्राम विकेट कीपिंग सेक्शन से, एंडरसन बुटॉन एंड जेलानी रॉबिन्सन, ये आपके सेफ कैप्टन एंड वाइस कैप्टन की चॉइस है जो कि स्मॉल लीग में आप लेके जा सकते हो। अब बात करते हैं ग्रैंड लीग की। ठीक है, ध्यान से देखना भाइयों। डी बुल्टॉन, ये विकेट कीपिंग सेक्शन से ओपनिंग करने आता है, कभी भी ये मार के चला जाएगा और आपका GL का वन साइडेड मैच ही आपको जिता के जाएगा। ठीक है, एस रेजिस की बात करें, ये वन डाउन प्लेयर है या ओपनिंग करने ही आता है, मोस्ट प्रोबेबली ओपनिंग करता है, वन डाउन कभी कभी आता है। ठीक है, इसका ध्यान रखना, ये भी मार के जा सकता है, GL की अच्छी पिक है। वी लेविस ऑलराउंडर सेक्शन से, लेक्स मैकलोर अभी फॉर्म में नहीं है बट ये बैटिंग वन डाउन करने आता है और बॉलिंग भी ये दो ओवर करा सकता है। अगर इसकी टीम ने इसे दो ओवर कराया तो ये 1 से 2 विकेट लेकर भी जाएगा और आपको बैटिंग सेक्शन में ये वन डाउन प्लेयर खेलने आता है, तो ये GL की मस्ट पिक है। फिट्स फ्रेडरिक की बात करें, ये भी अच्छा खासा प्लेयर है, बॉलिंग ऑलराउंडर है ये, बट आप इससे बॉलर ऑलराउंडर समझना, ये बॉलिंग कराता है। ठीक है, अच्छा प्लेयर है, अभी फॉर्म में ये दिख नहीं रहा है बट हाँ 2 से 3 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट ये लेकर जा सकता है। ठीक है, ध्यान रखना है इसका, ये GL पिक है। ठीक है भाइयों, अब बात करते हैं हमारे ड्रीम 11 की टीम की। तो ड्रीम 11 की टीम कुछ हमारी ऐसे रहने वाली आज की डेमो टीम। ठीक है, एस नेट्राम, जे रॉबिन्सन विकेट कीपिंग सेक्शन से, ग्रैंड लीग की हम बात करें तो ग्रैंड लीग में डी बुटॉन को आपको ले जाना है, 15% इसकी सिलेक्शन है, ये देख लो आप। ठीक है, एस नेट्राम को आपको
ड्रॉप करना होगा और डी बॉटम को पिक कर लेना जीएल की टीम में बात करूँ तो। बैटिंग सेक्शन से बात करें तो जे डू रॉन्ड ठीक है, काफ़ी अच्छा प्लेयर है, बॉलिंग बैटिंग दोनों करता है। टी टेवर्नियर और एस रेजिस के साथ मैं जा रहा हूँ। आप चाहो तो जे डुरान को छोड़ के एन लियो को ले सकते हो ठीक है, या फिर यहाँ से एक प्लेयर कम करके या फिर आप एम जेवियर को हटा दो तो एन लियो को लेके जा सकते हो ठीक है, चॉइस आपकी होगी। बट मैं फिलहाल अभी जा रहा हूँ एम जेवियर के साथ ठीक है, वी लुविस वी टाइटर और एम जेवियर के साथ मैं जा रहा हूँ ऑलराउंडर सेक्शन से। बॉलिंग सेक्शन से बात करें के हैमिल्टन, सी मर्सलिन, ए बोटॉन, ये स्मॉल लीग के प्लेयर होते हैं ठीक है। ग्रैंड लीग पे ज़रा नज़र डालें तो ग्रैंड लीग की बात करें तो एल मैगलोड टॉप पे, वन डाउन बैटिंग करने आएगा, बॉलिंग भी अगर आता है ठीक है, इसका ध्यान रखना ठीक है। सेकंड ग्रैंड लीग की बात करें तो एक यहाँ प्लेयर था डी डुपिग्नी, पिछले मैच में इसने बहुत अच्छा किया है, ध्यान रखना इसका भी ठीक है, सिलेक्शन काफ़ी कम है, आप इसे लेके जाना ग्रैंड लीग के लिए ठीक है। एक और हमारी चॉइस हैं एफ फेडरिक ठीक है, 6% से सिलेक्शन है, ये भी आपका ग्रैंड लीग की चॉइस है। के जीन की बात करें 28% इसकी सिलेक्शन है और ये राइट आर्म मीडियम बॉलिंग कराता है, विकेट लेके जा सकता है, ग्रैंड लीग की अच्छी चॉइस है, आप इसे लेके जा सकते हो ठीक है। और कोई ऐसा ग्रैंड लीग में मुझे नज़र नहीं, एस सीज़र अगर खेलेंगे तो एस सीज़र को भी आप ट्राई ज़रूर करना, अच्छा प्लेयर या विकेट निकालता है काफ़ी ठीक है ना। फिलहाल स्मॉल लीग की बात करें तो के हैमिल्टन ठीक है और सी मर्सलिन और ए बुटॉन के साथ मैं भी जा रहा हूँ, ये रही मेरी कुछ डेमो टीम ठीक है। कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें तो कैप्टन टी टेवेनियर के साथ मैं जा रहा हूँ और वाइस कैप्टन में जाऊँगा वी टेक्सटर के साथ ठीक है। ये कुछ आज की टीम है, डेमो टीम है, तो मेक श्योर आपने टेलीग्राम ज्वाइन कर लिया है ठीक है। टॉस होने के बाद मैं आपको टेलीग्राम पे टीम शेयर कर दूंगा, फाइनल टीम। चैनल का नाम है फैंटेसी कैप्टन, ज्वाइन ज़रूर कर लेना ठीक है। तो वीडियो आपको अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो लाइक कर देना वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और मेक श्योर आपने टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लिया है, फाइनल टीम है वहीं पर दूंगा ठीक है दोस्तों। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय बाय, टेक केयर।